यूनिवर्सिटी रोड व्यापार परिषद का वार्षिक चुनाव संपन्न। चुनाव अधिकारी राकेश जैन ने बताया कि पूर्ण ब्योरम होने के पश्चात उपस्थित सदस्यों ने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आम सभा के अध्यक्ष पद पर कुंदन सामरोता अध्यक्ष पद पर अपने निकटतम प्रति कमल भावसार से अधिक मत प्राप्त करके विजयी हुए। इसी प्रकार महासचिव पद पर सुभाष चितौड़ा एवं कोषाध्यक्ष पद पर महेंद्र बाबेल का निर्विरोध निर्वाचन हुए। इससे पूर्व साधारण सभा में निवर्तमान अध्यक्ष सामरोता के विगत कार्यकाल का द्विवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं निवर्तमान महासचिव चितौड़ा के सभीयों का स्वागत किया। कोषाध्यक्ष ने महेंद्र बाबेल ने आय व्यय की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी तीन निर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव संयोजक राकेश जैन ने शपथ ग्रहण दिलाई। धन्यवाद निकुंज भट्ट ने किया। राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। फिर वो वोटिंग के लिए वंचित रह जाएंगे। इसमें नाम दर्ज कर दे अपना, जो भी सदस्य अपनी उपस्थिति आम सभा के इस रजिस्टर में जो भी दर्ज कराना चाहे रह गया। रोशन जी, उस कार्यकाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 300 इनाम लेके आया मैं, प्लस उसमें करीबन सारे प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम सारे किए। नववर्ष का जगन्नाथ रथ यात्रा, दीपावली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, और उसमें मैंने अपने इसको बेस्ट स्टूडेंट्स से उनको इनाम दिए। सारे बड़े प्रोग्राम मैंने करके दिए और पर्सनल वे पे शिवरात्रि का बहुत बड़े प्रोग्राम करके देता था मैं, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। इन दो तीन सालों में कोई प्रोग्राम इतना बढ़िया नहीं हुए, मतलब 5-6 साल में ये सारे प्रोग्राम मिटा दिए गए और न ही कोई इनाम लेके। अभी इस वर्ष भी मैं अपने जिला स्तरीय गेट का इनाम लेके आया, प्रशंसा पुरस्कार। आम की वोटर अपना नाम है कमल जी बासार और दूसरे कुंदन जी नाकोड़ा कंसल्टेंसी। भाई साहब, आप जो चश्मा नहीं हो तो भी लेके आना है, अपना नाम जो अपना प्रत्याशी है स्वयं ही लिखे। क्या नाम? विनोद कश्यप। वर्तमान ट्रेडर्स। ठीक है साहब। उत्तम जी पंचोली की कौन सी दुकान? अगला नाम तैयार है। इसके बाद प्रकाश जी खेल रहा हार्डवेयर। भगवान जी मालिक। 2024-26 की दो साल की जो कार्यकारिणी हुई, जिसमें निर्विरोध कोषाध्यक्ष पद पर श्री महेंद्र जी बाबेल चुने गए, जो निर्विरोध चुने गए। मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच की तरफ पधारे, इधर आ जाइए। पद पर 116 ने अपने मतों का प्रयोग किया। मैं सुभाष जी चित्रा को बधाई देता हूँ एवं निवेदिका का प्रयोग किया 118 सदस्यों ने, जिसमें प्रत्याशी श्री कुंदनमल सामोता को 66 मत मिले हैं और श्री कमल भावसार को 52 मत मिले हैं। इस प्रकार से 14 मत यूनिवर्सिटी रोड व्यापार परिषद पुत्र बाबेल, महासचिव पद पर श्री सुभाष चित्तौड़ा एवं श्री राकेश जी भाई साहब ने बात के पात्र हैं। सभी व्यापारी बद्री जय श्री राम। जिन्होंने चुनाव में अपना अहम योगदान दिया है वो पढ़ा रहे एवं कमल जी भासर, कमल जी धर्मेंद्र जी यादगार फोटो है यूनिवर्सिटी रोड।
कोषाध्यक्ष जी तो दब गए। थोड़ा सा की प्लेट है वो भी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड व्यापार परिषद अपना नाम लेंगे आगे, मैं अपना नाम लिखे पिता ईश्वर को साक्षी मानकर यूनिवर्सिटी रोड व्यापार परिषद के अपने पद का नाम बोले के रूप में शपथ लेता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी रोड व्यापार परिषद के संविधान के आधार रखते हुए इसकी गोपनीयता बनाए रखूंगा, मैं इसके उद्देश्यों के अनुसार कार्यक्रमों में अपना पूर्ण सहयोग व्यापार परिषद को प्रदान करूंगा। मैं व्यापार परिषद की एकता एवं अखंडता बनाए रखूंगा। मैं व्यापार परिषद के विकास एवं परिषद की गतिविधियों को बढ़ाने में अपना तन मन धन से समय एवं सहयोग देता रहूंगा। मैं व्यापार परिषद के कार्यक्रमों में भाग लेकर व्यापार परिषद के अनुशासन की पूर्ण रूप से पालना करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे व्यापार परिषद की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचे। इस कार्य में ईश्वर मेरी मदद करे। भारत माता की जय। खत्म है। नव निर्वाचित अध्यक्ष यूनिवर्सिटी रोड व्यापार परिषद। यूनिवर्सिटी रोड व्यापार परिषद की स्थापना 1978 में हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ सदस्य श्रीमान मदन लाल जी साहब मुंद्रा उनके सानिध्य में संपन्न हुई और तब से लेकर आज तक लगभग 8 सदस्यों ने इस संस्था का नेतृत्व प्रदान किया और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के पर भी अभी कभी भी किसी प्रकार की कोई दुविधा आई तो यूनिवर्सिटी और व्यापार परिषद ने तन मन धन से उसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। इसी प्रकार धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी को करने में भी व्यापार परिषद किसी प्रकार से पीछे नहीं रही है। हमारे साथ जो खड़े हैं व्यापार परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी जैन, ये भी संस्था के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में यहाँ से जाने के बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रचार प्रसार मंत्री के नाते अपना दायित्व संभाल रहे हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपने जो ऊंचाइयाँ प्रदान की, हमारे को एक स्मारिका का जो प्रकाशन है वो आपके सानिध्य में सम्पन्न हुआ। व्यापार परिषद ने ऐसे कई प्रतिभाओं को जन्म दिया है, कई व्यापारी अच्छे अच्छे व्यापारी इस संस्थान में व्यापार करते हैं और लगभग ये 40 वर्षों से यह संस्था निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और इस प्रकार हमारे व्यापारियों ने, चाहे छोटे छोटे व्यापारी हैं, मेरे यहाँ पे 200 रुपये का गल्ला लेने वाले भी हैं, 500 का गल्ला लेने वाले भी हैं और 5000 का गल्ला लेने वाले भी हैं, लेकिन कभी व्यापारियों में किसी प्रकार का भेदभाव किसी व्यापारी ने नहीं किया। हर व्यापारी की समस्या के लिए समस्त व्यापारी एकजुट होकर के और प्रशासन के साथ वार्ता करते हैं और समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। यह जो चुनाव हुआ है आज, यह भी व्यापार परिषद का एक, मेरे जीवन का तो एक अंतिम चुनाव है, मैं जो घोषणा कर रहा हूँ इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर भी व्यापारियों ने जिस तन मन धन से मेरा सहयोग देकर के मुझे विजयी बनाया उसके लिए व्यापार परिषद का प्रत्येक सदस्य का मैं आभारी हूँ और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सिटी रोड व्यापार परिषद वर्ष 2024-26 की इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के चुनाव आज संपन्न हुए, जिसमें मताधिकार का प्रयोग करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाकर अध्यक्ष पद पर श्री कुंदनमल सामोता विजयी हुए हैं। इसी प्रकार से मताधिकार का प्रयोग करते हुए सभी सदस्यों ने अपने महासचिव को चुना है श्री सुभाष चित्तोड़ा के रूप में। कुंदनमल सामोता अध्यक्ष, सुभाष चित्तोड़ा महामंत्री एवं निर्विरोध
रूप से जो कोषाध्यक्ष आए हैं वो हैं श्री महेंद्र चित्तौड़ा, महेंद्र जी बाबेल। इस प्रकार से तीनों ही सदस्यों ने इस व्यापार परिषद की कार्यकारिणी में अभी नई निर्वाचन हुआ है। मैं अपनी ओर से एज ए चुनाव अधिकारी अपनी ओर से इनको तीनों सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ, उत्तरोत्तर प्रगति के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। यह कार्यकारिणी 2024-26 के लिए अपना आगे कार्यकाल रहेगा इनका, एवं अपनी नई टीम जिसको बहुत ही जल्दी ये तीनों कार्यकारिणी के तीनों जो निर्वाचित सदस्य हैं वो बैठकर अपनी अगली जो पूरी टीम है जिसमें पूरी कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, जिसमें वर्किंग कमेटी होगी एवं विभिन्न प्रकोष्ठों में काम करने वाले लोग होंगे, जिसका भी आप शीघ्र ही निर्वाचन करेंगे एवं आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः शुभकामना यूनिवर्सिटी और व्यापार परिषद के तीनों सदस्यों को।